ये तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर, टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लमेंटरी से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूँ जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग, मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। आखिर मैं पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, हम मुझ में देखे फाइट। जहाँ 1, 2, 3 मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर। स्ट्राइकर सुपर स्ट्राइकर। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लमेंटरी से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्कार्फ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्कार्फ में। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। हे, क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने, इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं। फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका, अभी क्या भी। मेरे ख्याल से स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया। इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्ता, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं, और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस की बात तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स दो नाइट गेम्स खेलेंगे। बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले दो नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6% इनसे बात बनेगी या नहीं। जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है। हम्म।
देखो चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। बहुत अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा, जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है, इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओ, क्या बात है, इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है, तुम सबको वहाँ आना है। वेलकम टू कूल जोस, टिकट दिखाइए। मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ है, हमें देखने हैं। हाँ, अभी लो, पेश है। कूल जोस सोल पावर। तो जो, हमने यहाँ देखा कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला, इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है, फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजाक था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे, मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले दो मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं, वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं, और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ, ये सच है मैडम। कम ऑन शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है, पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, शायद तुम्हारी भी करें। वो सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाओ, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा, जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइकर लैंड में मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में है, क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो गेंडा। अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड, इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। हे, तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चले। Huh!
आज तो वो कुछ अजीब सा ही खेल रहे हैं, ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट पर पहुंच गया है और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अर्से से स्ट्राइकर्स इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक, तुम कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं समझ गई, लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास ब्लॉक कर टाइगर को, और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग और ये शेक्स की बढ़िया गेंद। ओह, न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी। उसको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा? दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। लगा ये भारी है। बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की, और तुम सब कूल जो बूट सी पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है, और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश, पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कोलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेख। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल ब्रेंडा, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे
नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं और मुझे तो लगता है आप ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरा मूव करूंगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है। शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? तीन शब्द नहीं, 10 शब्द। जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ। मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेख कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइकर की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं, ओरायन का खाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेख ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ। हाँ, पर क्यों ना हम एक सौदा कर ले। मैं शेख के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक जोड़ी ला कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है, हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। अरे वापस आओ। शेख ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुको, रुक जाओ। हेलो मेरे प्यारो। शेख, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या, ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लड़की एक पतली ले, इसलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? मुझे पता है, इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है। और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी, समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका? जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। अरे बॉल शेख के पास, अच्छी डॉजिंग। शेख ने पास किया जो को, अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। और गोल! नहीं! अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है, गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइट की बेहतरीन हेडिंग। गोल! और स्ट्राइकर्स ने अपने हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेख, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक रेजिस्टेंस। क्या?
भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था, वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ मैं फिर से, शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। ये जूते मेरे डांस मूव जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट, खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस। अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं। Hey!